हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड क्रिएटर ऑफ दिस चैनल हैप्पी डॉग वीपी कड़िया आज आपके लिए एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग यूजफुल एपिसोड लेके आ रहा हूँ। आज हमारे साथ है अहमदाबाद के जाने माने वेटरनरी डॉक्टर डॉक्टर भाविन चौहान। डॉक्टर साहब 2013 से वेटरनरी प्रैक्टिस कर रहे हैं और डॉक्टर साहब ने मास्टर्स डिग्री के अंदर गोल्ड मेडल लिया हुआ है। वेलकम डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब की इस हैप्पी डॉग की श्रृंखला में। और दूसरा दोस्तों, आज हम एक यूनिक नहीं कह सकते, एक रेगुलर टॉपिक लेके आए हैं कि डॉग्स के अंदर जो समर सीजन के अंदर टिक्स होता है उसी के उस विषय पर हम आज डॉक्टर साहब से कुछ जानने का प्रयास करेंगे, उनसे कुछ यूजफुल टिप्स लेंगे। टिक्स क्या होता है, टिक्स प्रिवेंशन कैसे हो सकता है और टिक ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों डॉक्टर भाविन चौहान के साथ हमारा आज का एपिसोड। सर वेलकम अगेन। सर आप कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? सर मैं अहमदाबाद और गांधीनगर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2013 से 16 तक मैं जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ा था, वहाँ पे मेरी सर्विस प्रोवाइड थी उस टाइम पे। उसके बाद मैंने गांधीनगर में प्रैक्टिस स्टार्ट की, अहमदाबाद में तो अपनी 2013 से स्टार्टिंग सही है सर। ठीक है, 2017 में मैं एक पैट शॉप के साथ जुड़ा। ओके, वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट एंड डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक पर्पज से अपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी और अहमदाबाद में क्लिनिक अपना स्टार्ट किए। डेढ़ साल हुआ। और गांधीनगर में तो सर काफी समय से काफी कर रहा हूँ। अहमदाबाद में भी कर ही रहा हूँ, 2013 से कर रहा हूँ, लेकिन क्लिनिक रिसेंटली स्टार्ट किया। ओके ओके, हाँ। और अभी मैं रिसेंटली मैं पर्सनल क्लिनिक है अपना, ये भुयंगदेव एरिया में, फॉर एंड पोस्ट पैट क्लिनिक के नाम से। वहाँ पे अपने थेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। एंड दूसरा दो पेट शॉप के साथ मैं एज ए कंसल्टेंट वेटरनरी। कहाँ पर सर? भुयंग बापूनगर, ओके, इंडिया कॉलोनी एंड गांधीनगर सेक्टर 11। ओके, और सर गांधीनगर में आपका क्लिनिक कौन से सेक्टर में है? सेक्टर 11 में। सेक्टर यही नाम से सर? नहीं, वो हाउडी पेट शॉप एंड क्लिनिक। हाउडी पेट शॉप, यस। ठीक है मित्रों, गांधीनगर और भुयंगदेव के क्लिनिक की डिटेल और डॉक्टर साहब का कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर गर्मियों में ज़्यादातर देखा जाता है कि डॉग्स के अंदर टिक्स के इश्यूज बहुत देखे जाते हैं, तो सर आज का हमारा एपिसोड इसी विषय पर है और इसीलिए आपके पास सर आए हम लोग। तो सर दर्शकों को आप बताएं कि एक्चुअली ये टिक्स का इश्यू और टिक्स के इश्यू के प्रिवेंशन ट्रीटमेंट और ये इससे कैसे निपटा जाए। ओके, एक्चुअली है क्या, ये टिक्स एक जात का एक्टोपैरासाइट है जो बॉडी के ऊपर पाया जाता है। जैसे ह्यूमन में अपने मॉस्किटो बाइट करते हैं, वैसे डॉग्स और अदर एनिमल्स में भी टिक्स के इश्यूज देखने को मिलते हैं। वो क्या होता है, स्किन पे बाइट करते हैं, ब्लड सक करते हैं। ओनली ब्लड सक नहीं करते, लेकिन अंदर वायरस एक छोड़ते हैं, वो प्रोटोजोअल या तो फिर रिकेटसियल टाइप के वायरस होते हैं, वो छोड़ते हैं और उसके कारण जो फीवर आता है बॉडी के अंदर, उसका इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, उसके कारण टिक फीवर होता है डॉग में। और ये टिक फीवर गर्मियों में ज्यादा पाया जाता है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर एंड ह्यूमिड कंडीशन। ओके, ठीक है, तो विंटर और मॉनसून के कंपेयर में समर में ज्यादा देखने को मिलता। अच्छा, ये अभी कई क्लाइंट ऐसा बोलते हैं कि मेरे डॉग को तो एक ही टिक था, फिर भी ये फीवर क्यों? स्ट्रे डॉग को तो काफी सारे टिक्स होते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं होता। तो ये होता है कि टिक्स में भी अलग अलग टाइप के टिक्स होते हैं। अच्छा, एक ही स्पीसीज नहीं होती। ओके, जैसे डॉग है आपका लैब्राडोर हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, गवर्नमेंट, ऐसे अलग अलग स्पीसीज है। वैसे भी टिक में भी काफी है, रेपिसिफिलस है, हायलोमा है, ठीक है, डर्मेटोकैंथर है, ऐसे काफी सारे जात के टिक्स होते हैं। उसमें से पर्टिकुलरली जो टिक होते हैं बाइट करने वाले या तो बबेसिया फैलाते हैं, ओके, वो होस्ट होते हैं मैन। ओके, तो वो बाइट करने से टिक फीवर होता है। ओके सर, टिक्स होने की वजह और ये टिक्स के प्रकार आपने बताए। सर टिक्स फीवर तो जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, टिक्स फीवर तो एक लेटर ऑन स्टेज है शायद, पर सर उससे पहले अगर टिक्स हम पाते हैं या तो डॉग के अंदर हम टिक्स देखते हैं, तो इमीडिएटली द पेट पेरेंट ने, पेट ओनर ने क्या ट्रीटमेंट या तो क्या प्रिकॉशन शुरू करने चाहिए? ओके, एक्चुअली क्या होता है, टिक बॉडी में अगर पाए गए, ठीक है, तो उसके बाद बॉडी अपना मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा टिक के सामने इफेक्ट बताएगा। ठीक है, तो 8 से 10 दिन इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये टिक
ब्लड सक करता है और अंदर वायरस छोड़ता है। अच्छा, तो तुरंत आपने को कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो सिम्टम होंगे, हल्का सा फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर टिक की वजह से, एक्चुअली टिक्स जो बबेसिया वायरस या कोई भी छोड़ता है, तो ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर पाया जाता है। अच्छा, तो आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है। उसकी वजह से क्या होता है, स्टूल जो पॉटी करता है डॉग, उसके अंदर ब्राउन रंग या तो ब्लैकिश रंग की पॉटी है। अच्छा, तो ये एक आपको सिम्टम देखने को मिलेगा। ओके, वॉमिट करेगा। ओके, उसके बाद यूरिन थोड़ा येलोइश आएगा नॉर्मल से। तो ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे प्राइमरी बेसिस पे। लेटर ऑन जॉन्डिस भी हो सकता है। अच्छा, फिर स्टोमेटाइटिस जो मुंह के अल्सर होते हैं, वो टिक फीवर में वो भी देखने को मिलता है एक्चुअली। तो ये सब लेटर ऑन स्टेज है, लेकिन ये जो प्राइमरी स्टेज के जो सिम्टम्स मैंने बताए, वो अगर देखने को मिलते हैं, तो आपको पहले तो आपको उसको डॉक्टर के पास ले जाना है। ओके, ठीक है, डॉक्टर डायग्नोसिस करेंगे, जरूरत पड़े तो उसके लिए स्मियर टेस्ट होता है, ब्लड स्मियर तैयार करके ब्लड प्रोफाइल करवाएंगे, ब्लड रिपोर्ट करवाएंगे। अच्छा, उससे वो डायग्नोसिस होता है। ओके, कि एक्चुअली ये टिक फीवर है या नॉर्मल फीवर है। ओके, उसके बाद टिक फीवर है तो उसकी दवाइयां चालू। ओके, अच्छा सर, टिक, हम एक अलग सवाल है कि सर, टिक रिलेटेड इश्यूज के लिए कोई ऐसी होम रेमेडी या तो कोई ऐसी मेडिसिन जो एक्चुअली हमने घर पे मुहैया रखनी चाहिए? ओके, प्रिकॉशनरी बेस के लिए। तो टिक फीवर, टिक्स अगर ना हो, इसके लिए आप जो वॉश देते हो, तो नीम का पत्ता होता है, उसका पानी, गर्म पानी में उबाल के आप उससे भी वॉश दे सकते हो डॉग्स को। ये एक होम रेमेडी हो गई। अच्छा, ये कितनी फ्रीक्वेंसी पर देना चाहिए? हफ्ते में एक आध बार दे सकते हो। ओके, ठीक है, ये एक होम रेमेडी हो गई कि टिक्स ना आए। अच्छा, बाय चांस, हाँ, इसके अलावा भी एक और है कि आप पाउडर फॉर्म में भी आता है, एंटी टिक पाउडर आता है, जो दो टाइप के होते हैं, एक आयुर्वेदिक टाइप का भी आता है जो एरिना ईपी है, हिमालय कंपनी का। अच्छा, ये बाकी और कंपनीज भी बनाती है ये पाउडर, लेकिन ऐसे आप और ये रीड है ना सर? हाँ, ये रीड है, ये आपको घर पे अगर टिक्स डॉग में पाए जाते हैं तो घर पे पोछा लगाने के लिए, क्योंकि क्या है कि आप जब ये स्प्रिंकल करोगे, ठीक है, उसके बॉडी पे छिटका होगा, तो टिक्स उसके बॉडी पे सब निकलेगी, लेकिन घर के अंदर घूमने लगे। अच्छा, दीवारों पे भी चढ़ती है। यस, तो उसके लिए अपने को जैसे फिनाइल का पोछा घर में लगाते हैं जनरली, वैसे फिर आपको रीढ़ का पोछा लगाना पड़ेगा। तो सर, ये रीढ़ का पोछा घर में लगाने से ह्यूमन को कोई तकलीफ नहीं? आप आधे अगर लीक नहीं करना चाहिए, छोटा बच्चा घर में है अगर, और अगर आपने रीढ़ का पोछा किया तो फिर लीक नहीं करना चाहिए। उसमें छोटे बच्चे की आदत होती है चार चलना और फिर लीक करना कुछ ना कुछ चीज, तो आपको आधे घंटे एक घंटे के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा सर, ये टिक अगर डॉग के अंदर हम टिक पाते हैं, उस वो टिक की उसकी ट्रीटमेंट जब तक पूरी नहीं होती या तो जब तक कम्प्लीटली टिक्स रिमूव नहीं होते, तब तक क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि वो टिक्स ह्यूमन बॉडीज को भी अफेक्ट करे, ऐसा कुछ देखने में आया है, ऐसा कुछ है? हाँ, हिस्ट्री में पाया गया है कि टिक के कारण ह्यूमन में भी फीवर आता है। अच्छा, ठीक है, कॉन्गो फीवर करके आया था बीच में, जो टिक्स के कारण हुआ था ह्यूमन में। ओके, उसमें भी सेम टाइप के सिम्टम्स देखने को मिले। अच्छा, लेकिन कौन सी टाइप का टिक्स वो डिसाइड नहीं हुआ था कि आइदर एक डॉग टिक्स था या हॉर्स में भी आते हैं, कैटल में भी आते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ। अच्छा सर, तो ये प्रिकॉशन तो आपने बताया, अब सर ये आप ये बताइए कि टिक्स, जनरली टिक्स की ट्रीटमेंट कितने दिन तक चलती है अगर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट की जाए तो? हाँ, टिक की ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि फ्लूइड थेरेपी पे जाना चाहिए या फिर ओरली मेडिकेशन। ओके, क्योंकि अगर आगे के स्टेज में पहुंच चुका है तो फिर आपको फ्लूइड थेरेपी पे लेना पड़ेगा। ओके, और टिक्स की ट्रीटमेंट वेरियस टाइप होता है, मतलब 28 टू 30 डेज तक उसको डॉक्सीसाइक्लिन करके मेडिसिन आती है, वो आपको देनी पड़ेगी उसके डोजेस के हिसाब से। ओके, ठीक है, अगर लेटर ऑन मतलब आगे के स्टेज में पहुंच चुका है, डॉग खाना भी नहीं खा रहा और कुछ भी खा रहा है तो वॉमिट ही कर रहा है, थ्रो ही कर रहा है, तो फिर आपको फ्लूइड थेरेपी भी लेना है एटलीस्ट 5 से 7 दिन तक। तो उसके बाद डिसाइड करेंगे फिर से ब्लड रिपोर्ट निकलवा के कि अभी क्या कंडीशन है, कितना इम्प्रूवमेंट है। okay. और वोमिट अगर बंद होती है तो फिर ओरल मेडिकेशन देके स्टार्ट करेंगे, और उसका डाइट फूड भी आता है। अच्छा, हाँ, तो वो बीमारी में जो खिलाने का टीन फूड आता है, रेडी मिक्स, तो वो खिला के फिर उसको उस पे टैबलेट पे शिफ्ट करेंगे। अच्छा सर, ये जब टिक्स की बात कर रहे हैं तो हम पेट्स की बात कर रहे हैं। अब सर, टिक्स स्ट्रीट डॉग्स में भी पाए जाते हैं,
और अगर हमारे कोई मित्र या तो हम देखते हैं कि हमारे गली मोहल्ले में अगर कोई स्ट्रीट डॉग को टिक्स हमें दिख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ ये टिक्स दिख रहा है बट, तो उस मामले में ऐसी कोई कैप्सूल या दवा या टॉनिक जिससे हम अगर बड़ा डॉग है 25 kg 30 kg तो आप 1 full टैबलेट दे सकते हो। बच्चा है अगर 5 kg का तो 1/4 दिन में एक बार, दिन में एक बार नहीं, दिन में एक बार नहीं, 15 या 20 दिन या तो फिर महीने में आइवरमेक्टिन स्ट्रीट डॉग को दे सकते हो। हाँ जनरली एक्चुअली क्या है कि ये जो कई बार हम क्या होता है अच्छा करने जाते हैं, एक बार क्लाइंट के दिमाग में घुस गया कि आइवरमेक्टिन ट्रिक को, तो क्या करते हैं वो खिलाते ही रहते हैं, खिलाते ही रहते हैं, ठीक है, वो लीवर टॉक्सिसिटी कर देता है और या तो फिर ब्रेन में वो चक्कर आके गिर जाता है क्योंकि ओवरडोज हो जाता है। उनको एटलीस्ट प्रॉपर पता नहीं होता है कि टिक्स ये दवा कितनी मात्रा में देनी है, कितने टाइम में, कितने ड्यूरेशन में देनी है, तो ये आपको अवॉइड करना है। आप एक बार ऐसा हो तो डॉक्टर को पूछ लीजिए कॉल करके, डॉक्टर टेलीफोनिक तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट करते हैं आपके स्ट्रेट डॉग के लिए, ठीक है, तो एक बार आप डायरेक्ट देने की, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कुछ अच्छा करने जाते हैं और गलत हो जाते हैं। अच्छा सर डॉक्टर साहब, अब एक एक डॉग को जब टिक लग चुकी है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, ओके, तो उस दौरान उस डॉग के रूटीन में कोई बदलाव करना चाहिए, जैसे उसको सुबह शाम हम लेके बाहर जाते हैं तो वो एक्टिविटी कम करनी चाहिए या तो इंडोर ही रखना चाहिए? थोड़ा हफ्ते तक जब तक ट्रीटमेंट चल रही है, एटलीस्ट आप जब से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रही है तब से हफ्ते तक उसका मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, ओके, क्योंकि क्या है कि ट्रीटमेंट चल रही है, अपने टिक रिमूव कर दिए, बाहर वॉक करने जाएगा वापस टिक लेके आ जाएगा। तो सर बस अब जिसको भाई अब कुछ हम लोग कई लोग ऐसे जगह पे रहते हैं कि भी उसको आपको कंपलसरी ट्रीटमेंट चल भी रही है, फिर उसको अपने घर से उसको थोड़ी लंबी दूरी तक वो उसको ले ही जाना है, ओके, तो ऐसे में कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स है कि भाई आपकी टिक की ट्रीटमेंट भी चल रही है और उसको वॉशरूम के लिए या तो पोटी के लिए अगर उसको थोड़ा दूर लेके जा रहे हैं डॉग को आप, तो आप फिर वापस जब लाओगे तो ऐसा तो आपको फिर से चेकअप करना पड़ेगा। अच्छा, आपको आपको ऑनर को चेक करना पड़ेगा कि भाई वापस तो टिक्स नहीं आ गए, नहीं चढ़े। इसलिए हम जब ट्रीटमेंट चालू करते हैं टिक्स का, स्पॉट ऑन सॉल्यूशन होता है जो गर्दन पे रखना, ठीक है, तो स्पॉट ऑन सॉल्यूशन वो फिप्रोनिल और एस्मिथोफ्रिम का कॉम्बिनेशन होता है जो गर्दन पे रखना होता है। गर्दन पे इसीलिए रखना होता है कि डॉग लीक ना कर पाए। अच्छा। डॉग की एक आदत होती है कुछ भी बॉडी पे आए तो लीक करके निकाल देगा, सही है सर, तो वो लीक ना कर पाए। और यहाँ पे गर्दन पे आप रखोगे ऐसा स्पॉट ऑन सॉल्यूशन आता है, ठीक है, ये आप गर्दन पे रखोगे तो एब्जॉर्ब होके फिर बॉडी के स्किन के लेयर में स्प्रेड हो जाएगा, तो क्या टिक बाइट करने जाएगी पर बाइट नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो ये है। अच्छा सर, मैंने एक बात सुना है, मैंने वो भी डॉक्टर के पास सर, ये टिक के लिए कुछ परमानेंट ऐसा है, मुझे किसी ने बोला कि इंजेक्शन आता है कि एक बार दे दिया तो काफी समय तक, लंबे समय तक टिक नहीं होती है बॉडी में, डॉग्स की बात कर रहा हूँ, ये सही है? एक्चुअली इंजेक्शन आता है वही आइवरमेक्टिन जो बात करी हमने, लेकिन क्या है कि अभी जैसे हर दवाई का रेजिस्टेंस आ जाता है, एक कंटिन्यूस यूज होते जाए वैसे उनका भी रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने जो स्पॉट ऑन के बारे में आपको बताया जो गर्दन पे रखना होता है उसका भी 1 या 1.5 महीने तक ही असर रहता है, ओके, उसके बाद आपको वापस करना पड़ता है। अच्छा, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, ठीक है, तो ब्रेवेक्टो करके टैबलेट आता है, ब्रेवेक्टो, यस, ओके, वो खिलानी होती है, ओके, उससे प्रैक्टिकली हमने देखा है जो कंपनी बनाती है वो तो 3 महीने का बोलती है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा है कि 5-6 महीने तक टिक्स उसके बॉडी पे आती नहीं, ब्रेवेक्टो, यस, बाइट नहीं कर पाएगी, ओके, ओके, यस, ये ब्रेवेक्टो टैबलेट आती है। अच्छा, ये वाला, और ये कितनी देनी होती है सर ब्रेवेक्टो? ये एक ही, इसके बॉडी वेट के हिसाब से आती है एक्चुअली, 10 kg पर एक, अप टू 10, नहीं, उसके पावर होते हैं, ओके, अप टू 10 kg 250 mg की होती है, 10-20 kg के लिए, 500 mg, 20-40 के लिए, 1000 mg, अच्छा, ऐसा उसका पावर आता है, तो अलग सी पैकिंग में मिलेंगे हर एक आपके डॉग के बॉडी वेट के हिसाब से। अच्छा सर, ये टिक्स में भी कुछ प्रकार होते हैं, अलग अलग टिक्स होती है, छोटी बड़ी ऐसा कुछ होता है? जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि काफी टाइप्स के टिक होते हैं, हाइलोमा, जनरली डॉग्स के अंदर कौन सी टिक पाई जाती है इन जनरल? देखो डर्मा कैंथर और हाइलोमा जो टिक्स है और रिपीसिफिलिस, अच्छा, ये तीनों करती है बबेसिया, जो अपने जनरली टिक फीवर बोलते हैं, ओके, ये आपको स्लाइड स्मीयर टेस्ट करोगे तो उसमें देखने को मिलेगा, बराबर। लेकिन कई बार क्या होता है कि टिक होती है बॉडी पे, स्मीयर में नेगेटिव आता है, अच्छा,
तब आपको उसके लिए जाना पड़ेगा 4DX टेस्ट पे। ओके। उसमें क्या होता है, 4 टाइप्स के वेरिएंट होते हैं। अच्छा। कई बार एनाप्लाज्मा या एनामिक्सिया के कारण भी ओके फीवर आता है। ओके। और उसके सिम्टम्स सेम जो बबेसिया स्पीसीज है उसके जैसा ही होता है। ओके। बॉडी में ये ब्राउन कलर आता है, लिथालजीनेस होती है, वीकनेस आ जाती है, हाइड बाउंड कंडीशन, मतलब स्किन मतलब एकदम सूखा हो जाएगा वो। शार, शार। फिर आँख में आप देखोगे तो एकदम पेल हो जाएगा क्योंकि खून की कमी हो जाती है, टिक ब्लड सक कर लेती है और वो जो ऑर्गेनिज्म अंदर छोड़ती है वो तोड़ देती है आरबीसी को। ओके। अच्छा सर, टिक फीवर है अगर डिक्लेयर हो गया कि भी टिक फीवर है डॉक्टर, या तो टिक होनी शुरू हो गई और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उस दौरान डॉक्टर के डाइट में कुछ सावधानियां बरतनी है या तो कोई उसका डाइट चेंज करना है ऐसा कुछ, या तो लिक्विड ज्यादा देना ऐसा कुछ प्रिकॉशन? देखो टिक्स जब आती है हाँ तो ओनली गैस्ट्रिक सिस्टम पे इफेक्ट नहीं करती। ओके। वो काफी सारी सिस्टम पे भी लेती है। सपोज कई डॉग्स में पाया गया है कि टिक फीवर के कारण लीवर इन्फेक्टेड हो गया, अच्छा टिक फीवर के कारण किडनी पे भी डैमेज, हाँ तो अपने उसका इसीलिए फूड आता है। ओके। ठीक है, अगर डॉग नहीं खा रहा है तो उसका कन्वेलेसेंस करके या अर्जेंट केयर करके टीम फूड आता है, अच्छा उस पे ले लीजिए। ओके। ठीक है, यानी जब टिक के दौरान सुस्त है अगर जब है और डॉग अपना रूटीन नहीं खा नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है तब उस पे से धीमे धीमे आप उसके रूटीन डाइट पे शिफ्ट करिए। ओके। मेडिकेशन स्टार्ट होगी, धीरे धीरे रिकवरी आएगी, वैसे वैसे फूड लेता जाए। कौन सा सर आपने बताया, कौन सा? अर्जेंट केयर आता है, अर्जेंट केयर यस हिल्स का आता है। ओके। या तो फिर आप रॉयल कैनिन का भी रिकवरी डाइट ले सकते हो। ओके। इवन वेट लाइफ का भी आता है। यानी रिकवरी डाइट अगर सुस्ती बरताता है डॉग और खाना नहीं खा रहा यस तो आप उस हिसाब से डाइट दे सकते हो। डॉक्टर साहब, टिक्स फीवर या तो टिक्स के पैरल टिक्स जैसी ऐसी कोई दूसरी बीमारी है जो हम समझ नहीं रहे या तो लोगों को मालूम नहीं रहे? जो मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि टिक फीवर जैसे है जो बबेसिया, बबेसिया जनरली बबेसिया को टिक फीवर कहते हैं, उसके अलावा बबेसिया के अलावा कोई ऐसी डिजीज जो टिक के कारण? हाँ हाँ जी हाँ जी। ओके। तो ये जो टिक के कारण बबेसिया के अलावा काफ़ी बीमारियाँ होती हैं, जैसे मॉस्किटो के कारण डेंगू चिकनगुनिया हो गया और भी कई डिजीज है, वैसे टिक्स के कारण एनाप्लाज्मा भी होता है, एहरलिचिया भी होता है, ये दोनों बीमारियां भी टिक्स के कारण होती है। जैसे स्पीसीज बताई, हायलोमा, डर्माकैंथर, ठीक है, ये स्पीसीज के कारण, टिक्स की स्पीसीज के कारण ये बीमारियां होती है। और एहरलिचिया जो है उसमें कई बार क्या होता है कि नाक से भी खून आता है। अच्छा। हाँ। तो सर ये नाक से खून, तो ये सनस्ट्रोक से भी तो नाक से खून आता है? कई बार क्लाइंट मिसगाइड हो जाता है कि समर है तो ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो गर्मी की वजह से, लेकिन जब भी खून आता है नाक से, ये थोड़ा अलग पॉइंट है कि जब भी नाक से खून आता है तो आप ऐसा मत सोचिए कि सनस्ट्रोक की वजह से ही हो सकता है। ओके। इसकी वजह से भी हो सकता है, तो आप तुरंत इसके लिए आपको स्मियर टेस्ट में इतना नहीं आएगा एहरलिचिया के बारे में या एनाप्लाज्मा के बारे में, तो एहरलिचिया की बात कर रहा हूँ अभी पर्टिकुलरली, उसमें खून आता है तो उसके लिए आपको 4DX टेस्ट करवाना पड़ेगा जो एहरलिचिया एनाप्लाज्मा भी कवर करता है। ठीक है, एनाप्लाज्मा ये हो गया अपने एहरलिचिया की, जो आपको डिफ्रेंशिएट कर देगा डायग्नोसिस और उसके हिसाब से आपके डॉक्टर को पास वो उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट चालू कर देंगे जो थोड़ी सी टिक्स बबेसिया से अलग है। ओके। एनाप्लाज्मा भी क्या होता है कि वो स्प्लीन एनलार्जमेंट, लीवर एनलार्जमेंट भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों डिजीज बबेसिया से थोड़ा अलग। ओके। होस्ट सेम है, जो फैलाने वाला है टिक्स वो सेम है। ओके। लेकिन डिजीज थोड़ा डिफरेंट पड़ेगा, डिफरेंट या ब्लड आएगा, एनीमिया होगा दोनों में, तीनों में। अच्छा। लेकिन और अगर डिजीज प्रोग्रेस करती है तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगा स्टूल, तब उसमें आएगा। ओके। और वॉमिटिंग? वॉमिट तो होगा। ठीक है, जो सो मैंने ये 4DX बताया उसमें ये तीन कवर हो गए, लेकिन चौथा जो काफी कम क्लाइंट्स को पता है, अच्छा हाँ, वो चौथी चीज 4DX में कवर होती है, एक डायरोफाइलर या इमाइटिस करके, जो हार्ट वर्म आते हैं। और हार्ट में भी वर्म्स आते हैं, जैसे अपने इंटेस्टाइन में वर्म्स आते हैं, हाँ, वैसे हार्ट में भी वर्म्स होते हैं। ओके। वो ये तीनों टिक्स के कारण फैलते हैं, लेकिन जो हार्ट में वर्म आते हैं वो मॉस्किटो थ्रू ट्रैवल करते हैं, उसका होस्ट मॉस्किटो है। ओके। यस, क्यूलेक्स, एडिस एंड ये दोनों स्पीसीज जो मॉस्किटो की है, हाँ, वो
हार्ट में वॉर्म यस ब्लड सक करते टाइम उसके ऑर्गेनिज्म छोड़ते हैं जिसके कारण वो हार्ट में जाके वर्म्स क्रिएट करते हैं। भगवान करे सर कोई किसी को ऐसा नहीं हो। हाँ। सर ये एपिसोड काफी टेक्निकली एडवांस। एक और चीज सॉरी मैं थोड़ा इंटरफेयर कर रहा हूँ लेकिन ये ना हो इसलिए जैसे मैंने बीच में बताया था ब्रेवेक्ट ग्रुप चीज ओके वो ये हार्ट वर्म के लिए भी इफेक्टिव है। अच्छा तो वो इसमें इफेक्टिव साबित होगी अगर आप यूज कर रहे हो छह महीने में एक बार तो आपके डॉग को थोड़ा। और हाँ ये हो गया टिक्स के बाद। हाँ। लेकिन आपको हर साल जैसे अपने जनरल बॉडी चेकअप होता है। हाँ। जैसे हर साल आप टिक के लिए ऐसा एक टेस्ट करवाए 4DX तो क्या है कि आपको मालूम रहे कि ब्लड टेस्ट कहाँ क्लिनिक पे अवेलेबल होता है बड़े क्लिनिक पे अवेलेबल हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। और क्या कॉस्ट क्या कुछ 4DX की टेस्ट की कॉस्ट 1200 से 1500 रुपए होती है। आप समझ लो कि महीने का 100 रुपया बस वो ज्यादा हो रहा है। आप साल में आपने एक बार ये टेस्ट करवाना है बस इतना ही है। नहीं नहीं सर ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि भाई चलो एक साल में आप एक बार ये करवा लोगे तो आपको इन डिटेल सारा कुछ मालूम पड़ जाएगा और आपको क्या प्रिकॉशन लेना है या तो समर से पहले तो खास 100% समर से पहले। और डॉक्टर साहब आज काफी समय के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सर आपने बहुत डिटेल में और बहुत डीपली टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी प्रिकॉशंस उसकी ट्रीटमेंट और बहुत अच्छे से हमें समझाया था। और मित्रों आई होप कि आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा और हर बार की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब ने काफ़ी सब्जेक्ट टिक्स के विषय में काफ़ी हमें जानकारी दी है काफ़ी दवाइयाँ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस हमें बताया। आप अपनी राय अपने सजेशन हमें लिख के जरूर भेजिए इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट्स का। और डॉक्टर साहब चौहान साहब फिर से थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों मिलते रहेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे तब तक जय हिंद जय गुजरात। थैंक यू। मित्रों ये टिक के बारे में एपिसोड हम कर रहे थे और इसी दौरान एक चाऊचाऊ ब्रीड का डॉग आया हुआ है डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर। और सर ये टिक की ही ट्रीटमेंट हो रही है ना? यस टिक अभी ये टिक फीवर की ट्रीटमेंट चल रही है और डॉक्टर साहब अभी ट्रिप लगी हुई है सर ट्रिप लगी हुई है। तो सर क्या क्या इसको क्या एक्चुअली ये कौन से स्टेज पर है अभी ये टिक फीवर? प्राइमरी है। WBC काउंट है वो काफी डाउन है। अच्छा WBC काउंट ज्यादा है डाउन 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 है मतलब इसलिए इम्यूनिटी इसकी काफी वीक है। ओके तो चाहूं लिखा जी ने सर। और ये सर मेल है फीमेल है? मेल है। और क्या उम्र होगी अभी ये? 4 to 5 मंथ्स की है। 4 टू अच्छा वो अभी तो पप्पी है छोटा। ओह और ये देखो ये टिक्स निकले इसके बॉडी में से इतने अभी ट्रीटमेंट के दौरान ही ओनर ने निकाले इतने टिक्स। अरे बहुत टिक्स थे बॉडी में। आप देख रहे हैं कि ये टिक्स निकाले गए हैं अभी डॉग की बॉडी में से। डॉग तो नहीं बोल सकते पप्पी ये बहुत ही प्यारा सा चाव चाव है। भगवान करे ये बहुत जल्दी से जल्दी सही हो जाए ठीक हो जाए। ओके थैंक यू वेरी मच सर।